आने वाली 27 दिसंबर को मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए हमीरपुर जिला की जनता में उत्साह और जोश का माहौल है। जिला भाजपा जोर शोर से मंडी रैली में हमीरपुर जिला से कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी रैली के दृष्टिगत हमीरपुर जिला से 6,000 से अधिक कार्यकर्ता जाएंगे, जिसके लिए जिला के पांचों मंडलों में संगठन की दृष्टि से बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है तथा स्थानीय स्तर पर मंडी में कार्यकर्ताओं को ले जाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं और मंडी में होने वाले भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में हमीरपुर जिला के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में हुई बैठक में निर्धारित टारगेट से अधिक कार्यकर्ता हमीरपुर से मंडी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ मोदी साहब ने किया है। तो हमारे जिला से जो हमें टारगेट 5,000 का दिया था, हम तो 6,000 से ऊपर लेके जा रहे हैं। कल अपना गुहारवी में कल मीटिंग हुई थी लोकसभा क्षेत्र की, हमारे पार्लियामेंट की, उसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के सभी लोग गए थे, सभी मंडलों के। तो टारगेट फिक्स किया 4,000, लोगों में काफ़ी जोश है। हम रैली के लिए जहाँ लोगों में बोल रहे हैं, खुद ही जाने को तैयार है, मोदी जी का भाषण सुनने को तैयार है, और मोदी जी ने जो अच्छी योजना चलाई है तो लोग जाके भारी संख्या में वहाँ पर मंडी जाएंगे और सदी को भी कामयाब करेंगे। और मंडी में जो मोदी जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो कार्यकर्ता के अंदर जोश भर के जाएंगे, उससे हम आगे जो 1 साल है हमारा, उसमें जो अधूरे काम है उनको भी पूरे करेंगे और उसके बाद संगठन के लिए इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगे, ताकि दोबारा हमारी सरकार रिपीट हो। इस तरह पर हम लोग काम कर रहे हैं।